कबाड़ में सामान था, 2.5 लाख रुपया कैश था और थोड़ा गोल्ड था, एक चेन थी और एक रिंग थी। यहाँ पे अक्सर चोरी ऐसा होती रहती है। मेरे घर के जस्ट बाजू में 2 महीना पहले भी एक बार चोरी हो चुकी है, 20-30 हज़ार रुपया कैश गया था। और पीछे गली में भी एक कांड हुआ है कल रात में, वहां भी चोरी हुई है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या आप ढाबे पर खाना खाने के शौकीन हैं? तो आपको दिल्ली दरबार ढाबे पर ये 3 डिशेज जरूर ट्राई करनी चाहिए जिनकी चर्चा अब सारे भिवंडी में है। जायकेदार तंदूरी चाप, अरब की स्पेशल मंदी राइस जो चिकन और मटन में भी अवेलेबल है, और घर जैसे मसाले से बनी गावठी हंडी। इन तीनों डिशेस का टेस्ट लाजवाब है। एक बार जरूर विजिट कीजिए दिल्ली दरबार ढाबा एट भिनार विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। शांतिनगर में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने 12 घंटे में किया गिरफ्तार। शांतिनगर संजय नगर के चौल नंबर 44 के एक घर में हुई चोरी। मिली जानकारी के मुताबिक 28 नवंबर की रात में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर 2.5 लाख रुपए सहित सोने के आभूषण लूट लिए, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में की थी। जिसके बाद शांतिनगर पुलिस स्टेशन के PSI गोगे और रवि पाटिल की टीम ने 12 घंटे में चोरों को गिरफ्तार कर लिया और कर रही है आगे की जांच। भाई मैं भिवंडी शांतिनगर संजय नगर में रहता हूँ, KGN स्कूल के पीछे चौल नंबर 44 में। ये चोरी हुई है 28 तारीख की सुबह में 4:23 पे। ये कांड को अंजाम दिया लड़कों ने, 2 लड़के थे उसमें शामिल। हमको पता चला तो हमारा कबाड़ में सामान था, 2.5 लाख रुपया कैश था और थोड़ा गोल्ड था, एक चेन थी और एक रिंग थी। तो हमने शांतिनगर चौकी में जाके कंप्लेंट किया। तो कैसे पता कि आपके यहाँ चोरी हुई? जब मैं कंपनी से रिटर्न आया सुबह काम पे से, देखा तो मैंने डोर ओपन था, उसका लॉक टूटा हुआ था। फिर अंदर जाके देखा तो कबाड़ का भी लॉक टूटा था, लॉकर भी टूटा हुआ था। शांतिनगर चौकी में जाके हमने कंप्लेंट डाली, हमारा केस गया रवि पाटिल सर के हाथ में। रवि पाटिल सर ने बहुत अच्छा काम किया, 12 घंटे के अंदर वो लड़के को पकड़ के लाए। आपका क्या क्या चोरी हुआ? हमारा 2.5 लाख रुपया कैश था और एक सोने की चेन थी और एक सोने की रिंग थी। हमारे घर के बाजू में KGN स्कूल है, KGN स्कूल के चारों तरफ कैमरा लगा है, हमारी गली में भी लगा है। तो हमने जाके सर से बात किए, सर ने हमको CCTV देखने की परमिशन दी, हमने वहाँ से वीडियो क्लिप निकाले, रवि पाटिल साहब को दिया, रवि पाटिल साहब ने वो बच्चों को ढूंढ के निकाला। पहली बार आपके यहाँ पे चोरी हुई थी? नहीं सर, यहाँ पे अक्सर चोरी ऐसा होती रहती है। मेरे घर के जस्ट बाजू में 2 महीना पहले भी एक बार चोरी हो चुकी है, 20-30 हज़ार रुपये कैश गया था। और पीछे गली में भी एक कांड हुआ है कल रात में, वहाँ भी चोरी हुई है। रवि पाटिल साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने 12 घंटे के अंदर दोनों मुजरिमों को ढूंढ के निकाला है और मेरी रिकवरी का भी काम चालू है। इंशाल्लाह ताला मुझे पैसा और मेरा सोना जल्दी मिल जाएगा। बहुत अच्छा काम किया है। आपके बाजू में चोरी हुई थी? तारीख के हिसाब से मुझे मालूम नहीं है, मगर इतना जानकारी है कि चोरी हुई, लॉक टूटा था और पैसा गया, सोना गया। और कैमरा द्वारा हमारे स्कूल के, यानी हमारे घर के बाजू में स्कूल है, उसमें कैमरा लगा, उसी के जरिए से मालूम पड़ी। और ये पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेन हुआ, जो पाटिल साहब है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मुजरिम को पकड़े हैं।